हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये वाला वीडियो मैं लाया हूँ, जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, आपके लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है आपका जूलॉजी का या जूलॉजी का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर ली होगी तो आपको पता होगा कि जूलॉजी जो है उसमें टोटल कितने टॉपिक हैं। आपको पता ही है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो तो आपके कितने आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे। अब ये 200 क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से बटेंगे, अगर देखा जाए तो 46 आपके जो टॉपिक्स हैं वो इस जो सिलेबस है उसमें दे रखे हैं आपके लैब असिस्टेंट के लिए। और अगर आप इसको बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैं साइंस साइड की बात कर रहा हूँ, उनसे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक एक पन्ने में खत्म हो जा रहे हैं। जैसे बॉटनी है, उसका 6 टॉपिक में ही, अगर हम देखें तो 6 टॉपिक, 7 टॉपिक में, 7 टॉपिक में ही बॉटनी का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया गया है। लेकिन वो 7 नहीं है, वो बहुत बड़े टॉपिक है। अब जूलॉजी की बात अच्छी है कि इसमें जो ये 46 टॉपिक दे रखे हैं, ये बहुत ही ब्रॉडली तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आपको पढ़ने में क्या होगी, अब आसान होगी। अब अगर हम बात करें पहले टॉपिक की, तो ये जो वीडियो है ये एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, इसको मैं 2 या 3 पार्ट में हो पाएगा। तो मैं बड़ा डिटेल में आप लोग बताऊंगा किस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, शुरुआत करनी है। सबसे पहले अगर आप देखें क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो मैं इसमें साथ साथ में आपकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनकी भी बात करता जाऊंगा कि आप लोग को परेशानी ना हो। तो पहले अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है अपने आप में ही बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसमें अगर आप जाएं तो पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था एनिमल्स का, वो पहले किसमें किया गया था, एक बांटा गया था आपका किसमें, एनीमिया में बांटा गया था, ठीक है। और एक जो आपका सबसे पहला क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन है, एक जो बांटा गया था आपका वो इनेमिया में बांटा गया था। ये सब चीज आपको पढ़ना है। एनीमिया जो है वो क्या थे, जिसमें आपके रेड ब्लड सेल नहीं पाए जाते थे, और इनीमिया जो था आपका वो ऐसे आपके एनिमल्स है जिनमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो पाए जाते थे। और फिर ये जो एनीमिया था, ठीक है, ये एनाइमा, सॉरी, ये जो एनाइमा था इसको फर्दर जो है, क्योंकि इनमें रेड ब्लड सेल मिलते हैं, इनको फर्दर जो है दो ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। वो दो ग्रुप कौन से हो गए, दो ग्रुप में पहला ग्रुप जो था वो आपका था विवीपेरा, यानी कि जो भाई आपके क्या पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उसमें बांटा गया था। और दूसरा जो था आपका, वो आपका था ओवीपेरा, जिनमें क्या होते हैं भाई, आपके अंडे जो हैं वो जानवर उनमें देते हैं, ठीक है, अंडे देने वाले आप कह सकते हो। इसमें आपके चाहे फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, है ना, बर्ड्स आपके हो गए, इसमें बांटा गया था। फिर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें इसी को, और जब ये कुछ सालों तक ये क्लासिफिकेशन लोग फॉलो करते रहे, इसके बाद का एक अगला क्लासिफिकेशन आया जिसमें एक हिटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि जो तो पूरा जीव जगत है, जो पूरा एनिमल किंगडम है, उसको हम लोग जो है वो कितने में पार्ट, कितने पार्टों में बांटेंगे, हम लोग 5 जो पार्ट्स हैं, ठीक है, 5 पार्ट्स उसमें हम लोग इसको बांटेंगे। तो वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वो 5 पार्ट की अगर हम बात करें तो कौन सी पार्ट है, उन्हें बोला ये सबसे पहला पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा, मोनीरा का पार्ट होगा, ठीक है, ये सबसे पहला पार्ट उन्होंने बांटा। और इसी को लगभग लगभग हम लोग अब फॉलो भी करते हैं। और दूसरा पार्ट जो होगा वो प्रोटिस्टा का पार्ट होगा, ठीक है, प्रोटिस्टा का पार्ट होगा। तीसरा जो पार्ट होगा आपका इसमें बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, फंगस या फंजाई का पार्ट बनेगा आपका, ठीक है। चौथा जो होगा वो आपका क्या होगा, प्लांट्स होगा आपका। और पांचवा जो होगा आपका क्लासिफिकेशन वो क्या होगा, आपका एनिमल्स का क्लासिफिकेशन होगा। तो आप यकीन मानिए जो पहला ही टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ये क्लासिफिकेशन हो गया, फिर इसको आपको समझना है, फिर इसको आपको समझना है, फिर एक और क्लासिफिकेशन बांटा गया किसके बेसिस पे, कि पहली ओपनिंग कैसे होती है, जब आपका जो मोरूला ब्लास्टुला जो आपका क्या बनता है, जो गैस्ट्रुला बनता है आपका, इसमें से भाई जो नॉन साइंस वाले हैं वो वीडियो को ना देखें, घबरा जाएंगे आप लोग, जो साइंस वाले और जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें। तो ये गैस्ट्रुला के बेसिस पे, माउथ ओपनिंग के बेसिस पे आपका क्या होता है भाई, प्रोटोस्टोमेटा या स्टोमिया होता है, और दूसरा ड्यूटेरोस्टोमिया होता है, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन आपको पढ़ते जाना है। अब यहाँ पर आपको बच्चों समझना है कि मेन तौर पे जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो मोनिरा, जो आपका आपका वो क्लास है, उससे पूछे आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट या एनिमल। एक और क्लासिफिकेशन अगर हम चले जो कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, उसमें हम कहते हैं कि भाई इसको 3 ग्रुप में बांटा गया, मीसोजोआ में, पैराजोआ में, यूमेटाजोआ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों आपको पढ़ते आना है।
रेडियल सिमेट्रिकल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन में बांटा गया, बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या होते हैं, आप यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो है आप कह सकते हो मोटा मोटे तौर से क्लासिफिकेशन का जो पहला चैप्टर दे रखा है इसमें पूरा आपका ये चीज कवर अप होगा। और इसमें तीन टॉपिक में, एक दो और तीन, इन तीन टॉपिक में आप लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है, और मीसोजोआ, मेटाजोआ, ये जो मैंने बताया प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, ये सारी चीजें आपको बच्चों तैयार करनी। इससे कोई भी आपके, मुझे लगता है कि कम से कम 3 से लेकर 6 क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से आपके बन सकते हैं। किससे? ये जो शुरू के आपके तीन क्वेश्चन, जो तीन टॉपिक आपके दे रखे, तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है बच्चों, तैयार करना है। अब रही बात बुक्स की, बात रही ठीक है कि इन तीन टॉपिक्स के लिए बुक्स कौन सी ली जाए। तो एज यूजुअल है कि आप लोग जो है ज्यादा बुक्स लेने के उसमें तो इंटरेस्टेड होंगे नहीं, तो ये दुनिया भर की किताबें खरीदो ना, लेनी चाहिए। तो जो मैं देख रहा था, ज्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो बुक आपको ल्यूसेंट की रिकमेंड कर रहे हैं, जनरल साइंस की। तो बच्चों मैं पहले बता दूं, ल्यूसेंट की जनरल साइंस से आपका काम नहीं चल पाएगा, वो सफिशियंट किताब नहीं है इसके लिए। एक उसके लिए आपको अपनी किताबों का दायरा जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे एनसीईआरटी की जनरल साइंस की क्लास 10th की, ठीक है, खासतौर पे बायोलॉजी की जो है देना, क्लास 10th की हो गई, 11th की हो गई, 12th की हो गई। और एनसीईआरटी में भी अगर आप प्राइवेट पब्लिकेशन में चले जाना और सीबीएसई जो आपका है उसमें जाकर आप मार्केट से ये परचेज कर सकते हैं, क्लास 11th के 2 सेक्शंस आएंगे, क्लास 12th के भी 2 सेक्शन आएंगे। इससे लगभग लगभग आपका जो पूरा जूलॉजी का सिलेबस है वो कवरअप होने की कगार पर आएगा। रही बात ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी आपको काफी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा, चाहे वो आकाश जो नीट की कोचिंग कराते हैं उनका आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा, और भी जो आपके ऑनलाइन सेक्टर कुछ ना कुछ आपको पढ़ने वहां से, या पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, तो आपका काम जो है धीरे धीरे चलता रहेगा। अब बात करें तो ये मान के चलेगा, ये जो शुरू के तीन टॉपिक है इससे मैंने आपको बताया 3 से 6 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करेंगे। सिमेट्री मैंने आपको बताई दी अभी कैसे। अब बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की, यानी कि सेल शेप साइज टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों इस ये जो चैप्टर है, ये आप कह सकते हो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, मैं इसको नाम दे देता हूँ 4th चैप्टर जो है, ये बच्चों आपका पर्टिकुलर आप मान के चलिए साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी से है, जिसमें आपको सेल जो है वो बहुत ही किसमें डिटेल में जाके पढ़ना है, यानी कि जो चौथा टॉपिक है, जो आपका 5वां टॉपिक है और जो 6वां टॉपिक है, ये टॉपिक आप मोटा मोटा एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इनको आप एक साथ पढ़ेंगे, इससे भी जो पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, लगभग आप मान के चलिए 5 से लेकर 8 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आप प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और जितने भी आपके सेल ऑर्गन है, चाहे राइबोसोम्स है, मीसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉजी बॉडीज है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारी सारे जो चीजें हैं वो आपको, न्यूक्लियस हो गया आपका, न्यूक्लियोलस आपका हो गया, टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो गई, सारे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, सारी चीजें आपको बच्चों यहाँ से पढ़नी। तो 4 से 6 टॉपिक आपके ये यहाँ पर कंप्लीट जो है वो आपको करने, यानी कि 3 से 6 क्वेश्चन पहले सेक्शन से, 5 से 8 क्वेश्चन आपके इससे हो गए। तो इनको अलग अलग बना के पढ़ोगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी, एक साथ लोगे थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। फिर जो आपका 7th और 8th टॉपिक है, इसको आप एक अलग से जो है इसके नोट तैयार करेंगे, क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो बहुत टाइप की, ग्लोबुलर प्रोटीन हो गई, बहुत सारी टाइप की आपकी प्रोटीन होती है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, एंजाइम्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रोटीन आपके अमीनो एसिड और इन सबसे मिलके बने आपके होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको अपने 8 टॉपिक जो है वो तैयार कर, ठीक है। तो पहले आप लोग अपना टारगेट बनाओ कि ये जो 8 टॉपिक है आने वाले, आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिनों के अंदर जो है इसको खत्म करो, और फिर अगले टॉपिक्स की तरफ आप लोग बढ़ो। क्योंकि देखो उसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, आप ये मत सोचना कि हो सकता है क्लासिफिकेशन लैंग्वेज से क्वेश्चन है, क्योंकि 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 200 क्वेश्चन को मैंने जैसे शुरू में बताया कि 46 टॉपिक्स हैं, तो 46 टॉपिक्स में से लगभग लगभग आप मान के चलो कि अगर ये लोग मैं मोटा मोटा बोलूँ आपको, तो मोटा मोटा मान के चलिए ये 46 टॉपिक हैं, तो लगभग ये क्या करेंगे आपके 46 टॉपिक में से, कि 46 टॉपिक्स में अगर हम लेते हैं कि हर टॉपिक से अगर ये एवरेज 4 क्वेश्चन भी लेते हैं, तो लगभग 184 क्वेश्चन बन रहे हैं। और 46 टॉपिक से अगर ये 5 क्वेश्चन, हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन लेते हैं, तो लगभग आपके कितने बन रहे हैं, 230 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है।
तो यानी कि जो ये एवरेज ले रहे हैं, आप मान के चलिए 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन का बच्चों क्या हो गया, एवरेज हो गया। यानी कि जितने मैंने आपको यहाँ पे अभी तक शुरू में बताए, क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म 4 क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग सुटेबल एग्जाम्पल फाइलम क्लास फैमिली ऑर्डर 4 क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी 4 क्वेश्चन, ऐसे करके एवरेज 4 क्वेश्चन लेंगे। कहीं से हो सकता है 6 बन जाए, कहीं से 2 ही बन, लेकिन एवरेज आपको 4 क्वेश्चन एक लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको अभी से अपनी जो प्लानिंग है वो लेके चलनी है, और हर हालत में आपको ये कोशिश करनी है कि जो पूरा 46 टॉपिक का जो सिलेबस है, ये ज्यादा से ज्यादा आप लोग कितने दिनों में खत्म कर लें, आपके 50 डेज, ये 50 डेज का आप लोग डेडलाइन बना के चलेंगे, 50 डेज में आपको ये सारे टॉपिक जो है वो खत्म कर दें। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है आपका फ्लाइंग मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड्स है, ये आपको लूसेंट में मिलेगा नहीं, लोग उसमें दे ही नहीं रखा है। टाइप ऑफ एयर ब्लैडर जो फिशेज में मिलते हैं, ये आपको लूसेंट में मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे बच्चों दे रखे हैं जो बीएससी की किताबों में मिलते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीएससी सेकंड ईयर में मिलते हैं, वो 12th में भी पूरी तरीके से मिल नहीं पाते हैं। इलाबरेट मिलते तो हैं पर पूरा इलाबरेट नहीं होता, और पढ़ना पड़ेगा हाई लेवल पे। तो इस पहले आप लोग ये 8 टॉपिक खत्म करिए, फिर मैं अगले टॉपिक लिए भी आप लोग लिए थोड़ा थोड़ा वीडियो करके बनाता रहूँगा।